निवासी नव भारतीय परिवार में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और फिर आपके लिए उपस्थित हूँ लेकर के वाक्य विचार, अर्थात वाक्य विचार जो हम व्याकरण का अंग पढ़ रहे थे, व्याकरण की सबसे बड़ी इकाई जो हम पढ़ रहे थे, उस इकाई के बारे में हमने वाक्य के प्रकार समझे, वाक्य के प्रकारों को जाना संरचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। इसके अलावा हमने वाक्य में अशुद्धियां देखी कि किस प्रकार वाक्य में अशुद्धि होती है और कैसे शुद्ध किया जाता है। आज मैं आपको वही शुद्ध करने के जो नियम है उन्हीं नियमों के बारे में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि वाक्य रचना के नियम क्या है, कैसे वाक्य रचना करते समय हम उन नियमों को काम में लेते हैं, कैसे उनका प्रयोग कर हम हमारे वाक्य जो अशुद्ध वाक्य उसे शुद्ध कर सकते हैं। तो चलते हैं, अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। नियम नंबर एक, नियम नंबर एक कहता है कि साधारण वाक्य जो होता है, हमने जो रचना के आधार पर भेद पढ़े थे वाक्य के, कौन कौन से थे? रचना के आधार पर हमने जो भेद पढ़े थे उनमें था साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, तो हमने जो वाक्य पढ़े इनमें साधारण वाक्य क्या था? साधारण वाक्य में एक कर्ता और एक विधेय होता है, अर्थात उद्देश्य प्रविधेय एक एक ही होता है। लेकिन हम जो यहाँ पर नियम नंबर एक देख रहे हैं, उन साधारण वाक्यों में जो क्रम होता था, सबसे पहले कर्ता होता था, फिर कर्म होता था, उसके बाद क्रिया होती थी। तो सबसे पहले आपको वाक्य में यही देखना है कि क्या है, सबसे पहले कर्ता है, फिर कर्म है, उसके बाद में क्रिया आती है। वाक्य में जो क्रम होता है, वाक्य की परिभाषा क्या होती है? व्यवस्थित एवं सार्थक समूह। किसका? शब्दों का। शब्दों का व्यवस्थित एवं सार्थक समूह ही क्या कहलाता है? व्यवस्थित और सार्थक समूह ही हमारा वाक्य कहलाता है। और वो जो समूह होता है वाक्य का, उस वाक्य में सबसे पहले क्या आता है? हमारा कर्ता, फिर क्या आता है? हमारा कर्म, और फिर आती है क्रिया। क्या आती है? क्रिया। तीसरे नंबर पर आती है हमारी क्रिया। तो साधारण वाक्य के अंदर सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया आती है, नियम नंबर एक। वाक्य में अगर आपको क्रम का उल्टा पलटा नजर आता है, यानी क्रम अव्यवस्थित नजर आता है, जैसे यहाँ पर लिखा है, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, इसके लिए लिखे पढ़ हम हिंदी है रहे, क्या आपको ये वाक्य समझ में आ रहा है? जी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे शब्द है उनका क्रम उल्टा पुल्टा हो गया है, मतलब गलत हो गया है, वो व्यवस्थित क्रम नहीं है, सुव्यवस्थित नहीं है, अव्यवस्थित है, इसलिए ये हमारा वाक्य गलत हो गया। सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया का प्रयोग, क्रिया जो है हमारे वाक्य के अंदर आती है, नियम नंबर एक। बढ़ते हैं अगले नियम की ओर, नियम नंबर दो। नियम नंबर दो हमारा क्या कहता है? संबोधन आदि का प्रयोग। संबोधन क्या है यहाँ? कारक। संबोधन कारक। तो संबोधन कारक का प्रयोग जो होता है वाक्य के सबसे पहले होता है, वाक्य में जब हम काम में लेते हैं कारक, कारक प्रयोग करते हैं ना, कारक। तो कारकों में कितने होते हैं हमारे कारक बताएंगे? आठ कारक होते हैं हमारे। कर्ता ने कर्म को कारण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अलग होने के भाव में, अधिकरण ने पर संबंध, संबंध का के की रा रे री, ठीक है, और अधिकरण में पर हो गया, संबंध हो गया, संबोधन हेयर, ठीक है। तो हमारे ये जो कारक है, इन कारकों में जो संबोधन कारक है हमारा, इस संबोधन कारक का प्रयोग अगर वाक्य में हो रहा है तो सबसे पहले होता है। जब हमारा वाक्य शुरू हो रहा है तो वाक्य के प्रारंभ में ही हमें इस संबोधन का प्रयोग करना होता है, उसके बाद में कहां से लेकर के, देखो संबोधन क्या है यहाँ पर, अरे यह क्या हुआ, तो अरे जो संबोधन आया है ये संबोधन वाक्य में सबसे पहले आता है। नियम नंबर दो हमारा ये है कि कारक जो विभक्ति चिन्ह हमारे कारक जो है, इनका जब हम प्रयोग करते हैं तो इनका प्रयोग करते समय जो संबोधन कारक है इसका प्रयोग वाक्य में सबसे पहले किया जाता है, ठीक है। नियम नंबर तीन, नियम नंबर तीन हमारा कहता है कि संबंध कारक का प्रयोग वाक्य में कहीं भी किया जा सकता है। संबंध कारक का प्रयोग वाक्य में कहीं भी किया जा सकता है, जैसे प्रिया की बहन मोहन की पुस्तक पढ़ रही है। अब यहाँ पर एक, ये दो,
दो संबंधकारक का प्रयोग हुआ यहाँ की और की, ठीक है, प्रिया की बहन और मोहन की पुस्तक, ठीक है। तो यहाँ पर संबंध कारक का प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है वाक्य के अंदर। संबोधन की भी क्या शर्त थी, संबोधन वाक्य में सबसे पहले काम में लिया जाएगा, ठीक है, और संबंध कारक जो है इसका प्रयोग वाक्य में कहीं भी किया जा सकता है। जैसे राम श्याम की बहन की लोहे की गाड़ी से खेल रहा है। अब यहां पर बताएं कि हमारा संबोधन कारक, जो हमारा संबंध कारक है, इसका प्रयोग कितनी जगह हुआ है, देखिए, एक दो ये तीन, तीन जगह पे हमारे संबंध कारक का प्रयोग यहाँ हुआ है, अर्थात संबंध कारक का प्रयोग वाक्य में कहीं भी किया जा सकता है। अगले नियम की ओर बढ़ते हैं, नियम नंबर चार। नियम नंबर चार हमारा कहता है कौन कौन से कारक हैं हमारे, हमने संबोधन कारक के बारे में पढ़ा, हमने संबंध कारक के बारे में पढ़ा, अब है बाकी जो हमारे छह कारक बचे हैं, बाकी जो हमारे छह कारक बचे हैं, इन छह कारकों का प्रयोग उल्टे क्रम में वाक्य में किया जाता है। कैसे, अवरोही क्रम में किया जाता है। देखो, सबसे पहले हमारा संबोधन आ गया, संबोधन के बाद में वाक्य में क्या आया, कर्ता, कर्ता से लेकर के कर्म तक ये उल्टे क्रम में होते हैं। एक हो गया, दो हो गया, ये तीन, ये कौन सा नंबर का है, आठ, ये पहले नंबर का, ये सात, संबंध कारक तो हो गया, सातवें नंबर का संबंध कारक, ये छह, पांच, चार, तीन, दो और एक हमारा कर्ता, बचा कौन सा, यहाँ पर केवल संबंध कारक है, इसका प्रयोग वाक्य में कहीं भी किया जा सकता है। तो जब हम वाक्य में संबोधन सबसे पहले आ गया, संबंध कहीं गया सकता है, बाकी बचे जो छह कारक है हमारे, वो नीचे से ऊपर की ओर क्रम में, उल्टे क्रम में हमारे वाक्य में प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे संबोधन के बाद में कर्ता, कर्ता से लेकर कर्म तक, देखिए, अधिकरण छठे नंबर का, अपरान पांचवे नंबर का, संप्रदान चौथे नंबर का, करण तीसरे नंबर का, कर्म और फिर क्रिया, क्रिया सबसे लास्ट में, सबसे अंत में प्रयोग में की जाती है, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ ये नियम कि शेष कारक जो बचे हमारे संबोधन और संबंध के अतिरिक्त, जो कारक बचे हमारे, उन कारकों का उपयोग कर्ता कारक से लेकर के कर्म कारक के बीच में अवरोही क्रम में, उल्टे क्रम में किया जाता है। जैसे मोहन रसोई में राम के लिए भोजन बना रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा, कर्ता, ठीक है, रसोई में अधिकरण कारक, के लिए संप्रदान कारक, भोजन बना रहा है ये हमारा कर्म हो गया और ये हमारी क्रिया हो गई। आपके वाक्य में जरूरी नहीं है कि एक ही कारक का प्रयोग किया जाए, आपके आपकी ये जो उदाहरण आएंगे वहां पर परीक्षा में, उन उदाहरणों में एक से ज्यादा कारकों का प्रयोग भी वाक्य में किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर एक दो तीन चार, चार कारकों का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर मोहन क्या करता है ना, ठीक है, तो यहाँ पर मोहन करता हो गया, रसोई में राम के लिए भोजन बना रहा है, तो चार कारकों का प्रयोग आपके यहाँ वाक्य में हुआ है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि संबंध और संबोधन के अलावा जो बाकी छह कारक होते हैं उनका प्रयोग कर्ता से लेकर के कर्म के बीच में अवरोही क्रम में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले नियम की ओर, नियम नंबर पांच। नियम नंबर पांच हमारा कहता है कि पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग, कौन सी, पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग उचित स्थान पर होता है, यानी हम जब पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग करेंगे तो पूर्वकालिक क्रिया का जो स्थान होना चाहिए वो उचित होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, अगर वो उचित नहीं हुआ तो हमारा वाक्य गलत हो सकता है। जैसे फल काट कर बालक को खिलाओ, क्या यह वाक्य सही है, मैं एक वाक्य और लिखती हूँ, देखिए, बालक को फल काट कर खिलाओ, एक है बालक को काटकर
दिया हो। देखिए वाक्य है हमारा, एक तो है फल काट कर बालक को खिलाओ, ठीक है, दूसरा है बालक को फल काट कर खिलाओ, तीसरा है बालक को काट कर फल खिलाओ। कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें, आपको मुझे ये बताना है, जल्दी बताइए, क्या बता सकते हैं? बालक को फल काट कर खिलाओ ये हमारा सही है, फल काट कर बालक को खिलाओ ये भी सही है, लेकिन ये जो वाक्य है बालक को काट कर फल खिलाओ अर्थ का अनर्थ कर रहा है। कैसे? इसमें दिया है पहले बालक को काट कर, पहले बालक को काटो और फिर फल खिलाओ। जब आप बालक को ही काट देंगे तो फल किसे खिलाएंगे, अर्थात ये हमारा वाक्य गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्वकालिक क्रिया क्या है यहाँ? पहले काट कर और फिर खिलाने, ठीक है, पहले फल को काटने का कार्य हो रहा है और उसके बाद में खिलाने का कार्य हो रहा है, तो पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हमेशा उचित स्थान पर करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले नियम की ओर, नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 क्या कहता है हमारा? नियम नंबर 6 कहता है कि निपातों का प्रयोग, निपात का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। जो निपात होते हैं, निपात क्या होता है? जो विशेष बल देते हैं नकारात्मक कार्यों के ऊपर, ठीक है, नहीं का अर्थ जो देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। जैसे केवल और ही, केवल राम ही बाजार जाएगा, यहाँ पर एक ही वाक्य में दो निपातों का प्रयोग किया गया है, क्या ये उचित है? जी नहीं, ये गलत है। या तो ये होगा केवल राम बाजार जाएगा, या फिर यह होगा राम ही बाजार जाएगा। ठीक है, एक बार में एक ही निपात का प्रयोग वाक्य में किया जाता है, या तो आप केवल का ही प्रयोग करेंगे या फिर आप ही का ही प्रयोग करेंगे। जैसे कई बार उदाहरण आते हैं कि मेरे पास मात्र 1000 रुपए ही है, तो 1000 रुपए है लेकिन वहां पर ही और मात्र दोनों एक साथ नहीं आएंगे, केवल एक ही निपात का प्रयोग आप एक वाक्य में एक बार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 हमारा कहता है कि स्थान के लिए पीछे और समय के लिए बाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब भी हम वाक्य बनाते हैं, वाक्य में कई वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें स्थान के बारे में बताया जाता है, किसी में समय के लिए बताया जाता है, ठीक है, तो स्थान के लिए तो हम पीछे शब्द का प्रयोग करते हैं और समय के लिए हम बाद शब्द का प्रयोग करते हैं। कैसे? मोहन के पीछे राम बैठा है, बैठना क्या है? स्थान के बारे में बता रहा है। यहाँ स्थान के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इस पीछे शब्द का प्रयोग करते हैं। और अगर राम के आने के बाद पिताजी आए, क्या है? समय बता रहा है, पहले कौन आया? राम आया, उसके बाद में कौन आए? पिताजी आए। तो ये जो बाद है किसके अर्थ में आया? समय के अर्थ में। समय के अर्थ में क्या क्या काम में लेंगे हम बाद, और स्थान के संदर्भ में हम क्या काम में लेंगे? पीछे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 8। नियम नंबर 8 हमारा कहता है कि सजीव के लिए अधिकतर शब्द, सजीव जो वाक्य में हम सजीव जो होते हैं उनके लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? अधिकतर का। और जो निर्जीव होते हैं, निर्जीव के लिए अधिकांश शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यदि वाक्य में किसी सजीव की बात हो रही है तो वहां पर अधिकतर शब्द का प्रयोग किया जाता है, और वाक्य में यदि निर्जीव की बात हो रही है तो वहां पर अधिकांश का प्रयोग किया जाता है। जैसे अधिकतर छात्र आ गए, यहाँ पर छात्र क्या है? सजीव है, तो सजीव के लिए हमने क्या होगा, क्या शब्द काम में लिया? अधिकतर। फिर देखिए सामान रख दिया, तो यहाँ पर किस शब्द का प्रयोग किया हमने? अधिकांश शब्द का प्रयोग किया। तो सजीव के लिए अधिकतर और निर्जीव के लिए हम अधिकांश शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं नियम नंबर 9। नियम नंबर 9 क्या कहता है हमारा? करण कारक में सजीव साधन हेतु के द्वारा तथा निर्जीव साधन हेतु से विभक्ति का प्रयोग
तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस। ठीक है, तो यहाँ पर तुलसीदास निर्जीव है या सजीव है? तुलसीदास सजीव है, इसलिए यहाँ पर द्वारा शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया। पेन से लिखा, अब पेन क्या सजीव है? जी नहीं, पेन निर्जीव है, इसलिए यहाँ पर से विभक्ति का प्रयोग किया गया। आया आपको समझ में कि से विभक्ति का प्रयोग कहाँ किया जाता है, द्वारा विभक्ति का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आशा करती हूँ अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले नियम की ओर, नियम नंबर 10। नियम नंबर 10 हमारा क्या कहता है कि प्रत्येक के साथ द्विरुक्ति और बहुवचन का प्रयोग नहीं होता है। अब सबसे पहले तो ये जानिए द्विरुक्ति क्या होता है। द्विरुक्ति होता है रिपीट करना, जैसे जैसे पल पल क्षण क्षण, ये क्या होती है द्विरुक्ति। जब एक ही शब्द को दोबारा से रिपीट किया जाता है, दोबारा से कहा जाता है, बोला जाता है, तो वो क्या होती है द्विरुक्ति होती है। ठीक है, अब प्रत्येक जो शब्द है यहाँ, प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब क्या है? हरेक, सभी के लिए है, या तो हरेक के लिए, सभी के लिए, बात तो एक ही पड़ती है। प्रत्येक के लिए नियमों का पालन करना आवश्यक है, तो प्रत्येक यानी सभी के लिए, हरेक के लिए उन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो आपके लिए आया है कि प्रत्येक के साथ द्विरुक्ति अर्थात रिपीटेशन का प्रयोग नहीं किया जाता और बहुवचन का प्रयोग यहाँ नहीं किया जाता है। जैसे उदाहरण है आपका, ठेकेदार ने प्रत्येक मजदूरों को 100-100 रुपए दिए। अब यहाँ पर प्रत्येक भी आ गया, फिर यहाँ पर बहुवचन भी आ गया, और यहाँ पे द्विरुक्ति भी आ गई। क्या ये वाक्य सही है? जी नहीं, ये वाक्य गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ना तो इसमें द्विरुक्ति आएगी और ना ही इसमें बहुवचन आएगा। ठीक है, अब है हमारा इसका सही उदाहरण क्या है। इसका सही उदाहरण है, ठेकेदार ने प्रत्येक मजदूर को 100 रुपए दिए। ठेकेदार ने प्रत्येक मजदूर को 100 रुपए दिए, ना तो यह द्विरुक्ति है और ना ही यहाँ बहुवचन ही दिया गया। ठीक है, आपको आया आपको समझ में कि प्रत्येक के साथ में, प्रत्येक क्या है? हमारा अव्यय है। ठीक है, अव्यय जो होता है, अव्यय भाव समास का हमारा उदाहरण है प्रत्येक। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो द्विरुक्ति का प्रयोग है और ना ही बहुवचन का प्रयोग इसमें किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नियम नंबर 11। नियम नंबर 11 हमारा क्या कहता है? हम लोक शब्द का प्रयोग करते हैं। किस शब्द का प्रयोग करते हैं? हम ये लोक शब्द का प्रयोग करते हैं। इस लोक शब्द का प्रयोग सदैव सर्वनाम के साथ ही किया जाता है। सर्वनाम के साथ ही किया जाता है। मजदूर लोगों ने हड़ताल कर दी, ये गलत है। ठीक है, यहाँ क्या आएगा? मजदूरों ने हड़ताल कर दी, ये सही है हमारा। मजदूर के साथ में लोगों नहीं लगेगा। ठीक है, लोक शब्द का प्रयोग सदैव सर्वनाम के साथ ही होता है। जैसे हम लोगों ने भोजन ग्रहण कर लिया, हम लोगों ने खाना खा लिया, हम लोग घर जा रहे हैं, हम लोग घर जा रहे हैं, हम लोग सिनेमा देख रहे हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये लोक शब्द का प्रयोग हमेशा सर्वनाम के साथ ही होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले नियम की ओर, नियम नंबर 12। नियम नंबर 12 हमारा कहता है कि संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण आदि का वाक्य में सही प्रयोग होना चाहिए। मतलब उनका जो क्रम होता है वो व्यवस्थित होना चाहिए। क्रम को यहाँ हिंदी में अन्विति भी कहा जाता है। अन्विति अशुद्धि, अन्विति से संबंधित अशुद्धियां वाक्य में बहुत आती हैं। आपकी जो प्रतियोगी परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो इनसे संबंधित ही आते हैं। ठीक है, जैसे डूबते हुए जहाज से कप्तान कूद गया, और यहाँ पर ये जो कारक का प्रयोग हुआ है ना, ये परीक्षा में आया हुआ है, इसमें दिया गया डूबते हुए जहाज में कप्तान कूद गया। देखिए, एक तो ये वाक्य है कि डूबते हुए जहाज से कप्तान कूद गया, और एक है डूबते हुए जहाज में कप्तान कूद गया। बताइए अर्थ का अलर्ट हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि एक तो उसमें से जान बचाने के लिए कूद रहा है, और मैं कूद रहा है यानी उसी के अंदर वो वापस कूद रहा है। तो आपको अंतर समझ में आया? यहाँ पर ये जो कारक चिन्ह हमारे संज्ञा या सर्वनाम जो है, इनका जो प्रयोग है वो हमेशा
उचित क्रम में उचित व्यवस्था में होना चाहिए। ठीक है, ये था हमारा नियम नंबर 12। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा कि वाक्य में अनावश्यक कारक विशेषण संज्ञा सर्वनाम अव्यय आदि का प्रयोग नहीं होता है। वाक्य में अनावश्यक कारक यानी जिसकी आवश्यकता नहीं होती है ऐसे कारकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ना तो कारक होने चाहिए, ना विशेषण होने चाहिए, ना संज्ञा होनी चाहिए, ना सर्वनाम होनी चाहिए, ना अव्यय होना चाहिए। मतलब इनका जितनी नेसेसरी है, जितनी आवश्यकता है हमारी, जो उस क्रम में बैठ रहा है उसी प्रकार हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। जैसे मोहन प्रातः काल के समय घूमने जाता है। मोहन प्रातः काल के समय घूमने जाता है। अब काल का मतलब भी वही होता है और समय का मतलब भी वही होता है, तो हुआ ना अनावश्यक प्रयोग। ठीक है, सीता यहाँ पर बैठी है। अब यहाँ भी है और पर भी है, दोनों में से एक ही चीज का प्रयोग है, या तो यहाँ लिखी है या पर लिखी है। सॉरी, ये गलत हो गया, अनावश्यक है, केवल यहाँ बहुत है, ये भी गलत है। राम ने मोहन की बात पर आपत्ति प्रकट की, तो आपत्ति मतलब होता है अपने विचार रखना गलत उसमें। ठीक है, तो ये प्रकट गलत है, केवल आप आ यानी आना, प्रकट होना। ठीक है, तो ये प्रकट होना, ये खुद आप ना अर्थ दे रहा है प्रकट के रूप में, तो ये प्रकट का जो प्रयोग है वो अनावश्यक यहाँ हुआ है। विंध्याचल पर्वत सभी पर्वतों में सबसे सुंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में ये आया हुआ है। अब यहाँ पर विंध्याचल, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे आप तो होगा विंध्य धन अचल। इसको आचल मत कर देना, ये आचल नहीं होगा, आचल होगा। अब पर्वत का मतलब यही है। ठीक है, सभी और सबसे, चार गलती है इसमें, एक गलती नहीं मतलब दो गलती है इसमें, द्विरुक्ति हुई है। क्या हुई है देखिए, एक तो ये अचल, ये पर्वत, यहाँ सभी और यहाँ सबसे। ठीक है, ये शुद्ध क्या होगा देखिए, ये शुद्ध होगा विंध्याचल सभी पर्वतों में सुंदर है। हमारा वाक्य ये बन गया, ये वाक्य गलत है। क्या बनेगा, विंध्याचल सभी पर्वतों में सुंदर है, ये हमारा वाक्य होगा। ठीक है, हमें अनावश्यक कारक विशेषण संज्ञा सर्वनाम या अव्यय आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जितनी आवश्यकता होती है वाक्य के अनुसार हमें वही कार्य करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नियम नंबर 14। नियम नंबर हमारा 14 क्या कहता है कि तुलनावाची शब्दों का प्रयोग हमेशा प्रसंग अनुसार होना चाहिए। जैसे राधा की उंगली श्याम की उंगली से मोटी है, ये वाक्य सही है। अगर मैं कहूँ राधा की उंगली श्याम से मोटी है, तो श्याम तो अच्छा तगड़ा मनुष्य है, मतलब इतनी बड़ी उंगली कैसे हो सकती है, अर्थात हमारा वाक्य गलत हो गया। वाक्य क्या होगा, मोहन की उंगली सोहन से बड़ी है, गलत है। क्या होगा, मोहन की उंगली शुद्ध होगा, मोहन की उंगली सोहन की उंगली से, तुलना किसमें हो रही है, उंगलियों में हो रही है ना, सोहन में थोड़ी हो रही है, उंगली से बड़ी है। ठीक है, तो हमारे वाक्य में जब हम किसका प्रयोग करते हैं, तुलनावाची शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उनका प्रयोग हमें ढंग से सही प्रकार से व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए। नियम नंबर 15। नियम नंबर 15 हमारा अंतिम नियम है। ये क्या कहता है कि शब्दों का चयन सदैव प्रसंग अनुसार होना चाहिए। हम जब शब्दों के चयन करते हैं, वो शब्दों का चयन क्या होना चाहिए, प्रसंग अनुसार होना चाहिए। जैसे उदाहरण है, भारत के उच्चतम न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता है, उच्चतम न्यायालयों में, ये वाक्य सही है गलत है। चार जयपुर के विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, बताइए ये वाक्य दोनों अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर ये जो न्यायालयों लिखा हुआ है, हमारे भारत देश में एक ही उच्चतम न्यायालय है। ठीक है, तो न्यायालयों ये बहुवचन
हो गया, ये गलत है, केवल न्यायालय आएगा। फिर चार जयपुर के विद्यार्थी, जयपुर में तो एक ही है, चार कहां से हो गया, इसमें अन्विति की गलती आई, ये चार कहां आएगा, यहां आएगा। जयपुर के चार, जयपुर के चार विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, ये होगा हमारा वाक्य शुद्ध। पहला तो क्या जाएगा, भारत के उच्चतम न्यायालय में हिंदी का प्रयोग नहीं होता है, और जयपुर के चार विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, ये था हमारा नियम नंबर 15। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नवभारती स्टडी सर्कल, नवभारती स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियोस पर। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।